कहलाया।
जिसको ऊपर से विष्णु जी आए गई लक्ष्मी जी पहुंची गई। मैं पहले चाहूंगी 11 साल पहले वो आई के जन्म से पहले, तो बहुत सारी बात मैं शॉर्ट में कहूंगा। क्या जानू कछु पुण्य प्रगति मानुषा होता, और ये मानस मंदिर का मैं बहुत पहले से नाम सुना था, और ये देख लीजिए कि 42वां ये है, यानी कि 42 ईयर से ये काम चल रहा है। कितने लोग आए होंगे, अभी शायद पृथ्वी पे नहीं है जो इस मंदिर से जुड़े होंगे। तो ये बहुत महान कार्य सनातन सतयुग से चला आ रहा जो धर्म है, और महाभारत के समय कोई भी धर्म और दूसरा धर्म जो अभी बहुत सारा देख रहे नहीं थे, तो भी कृष्ण जी बोलते थे हे अर्जुन सभी धर्मों को छोड़ मेरी ओर। फिर अपना जब दिव्य दृष्टि देते हैं तो विश्व रूप केवल अर्जुन जी को दिखता है। तो समय कम है और मैं इस कार्यक्रम की सफलता के लिए हर दिन इच्छा है और सभी को चरण स्पर्श। आप लोग एक बहुत महान कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ये भारत विश्व गुरु है और सनातन धर्म के जो रक्षक लोग हैं इनका हमें आदर सम्मान, इनके बात के इनके जो वचन हैं वचन का आपको वैल्यू रखना है जो भी कहते हैं, क्योंकि ये लोग सीधा ऊपर से कनेक्ट से जुड़ा हुआ है। ये लोग जो बोलते हैं तो अपने खुद नहीं बोलते, इनके मुंह से भगवान बोलते हैं परमात्मा बोलते हैं, कभी गलत बात नहीं बोल सकते। इसलिए प्रयाग और कुंभ मेला बहुत सारा बात बहुत सारे चीज है, वो सबको यहाँ समय है ठीक है। धन्यवाद बहुत बहुत आप लोग को मेरा चरण स्पर्श। इसलिए कहते हैं जो आपका अभी भावना जैसे जो विपुलत जो लिखी थी। धन्यवाद अर्जुन जी, और आप जो काम कर रहे हैं फिल्म बना रहे हैं उसके लिए शुभकामनाएं। हम उम्मीद रखते हैं आप जल्दी से सर दो इसके बाद गीतांजलि जी आएंगे फोटो भी करने। अच्छा सर कहां से क्लिक करना है सर, मुझे पता नहीं कहीं से सर आप फोटो ले सर। मुलाकात हुई आज पहली बार, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। प्रदीप जी सभी का जो चित्र ले रहे हैं और बहुत सुंदर वीडियो भी आपको मिलेंगे इनके थ्रू। प्रदीप जी आइए गीतांजलि शर्मा जी, इसके बाद गीतांजलि शर्मा पूजा जी आप पूजा करो। पूजा जी को भी सम्मान किया जा रहा है। दर्शन सौभाग्य और परम कृपा हमें प्राप्त होती है, इस कृपा के लिए परमात्मा ने हमें अनुकूल और सही किया है, इसके लिए बहुत बहुत प्रभु का धन्यवाद। और उसी बेला में हमारे इस प्रश्न के उपाध्यक्ष सुरेंद्र तिवारी जी हमारे कुछ संतों का सम्मान करेंगे। हमारे महामंडलेश्वर अघोरी मणिपाल जी महाराज जो जुगाकाली से हैं उनका सम्मान करते हुए, और हमारे पूज्य योगाचार्य योगी धनंजय जी महाराज जंतर मंतर से पधारे हैं उनका भी 100 पटका उठा करके सम्मानित करेंगे, और हमारे कथा प्रवक्ता अनिल कृष्ण जी महाराज जो बहुत सुंदर अंतर्राष्ट्रीय हिंद सेना चलाते हैं। ये आरएसएस से हैं, हमारे योगेश मोगा जी आरएसएस से, दीपक चोपड़ा जी हमारे आरएसएस के, और समस्त
बंधुओं का वो स्वागत सम्मान। आइए इसी संदर्भ के साथ हमारे जो वृंदावन श्री धाम से पधारे हैं ऐसे अनिल प्रेमी महाराज अपने संतों के द्वारा इस पाठोत्सव वार्षिक उत्सव के पश्चात बाकी ही रहेंगे, ऐसा हमारे परम आदरणीय उपाध्यक्ष जी का अनुरोध है आप सभी से। इस प्रकार से हमारे इस कार्यक्रम को आप सभी सफल बनाएंगे हम आशा करते हैं। बोले सत्य सनातन धर्म की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की, संत भगवंत की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बहुत ही हर्ष और सौभाग्य का विषय है कि मानस मंदिर के इस स्थापना दिवस के इस शुभ अवसर पर 42वां पाठोत्सव इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे शैलेशानंद पुरी जी महाराज एवं मंच पर विराजमान सभी संत महापुरुष के सभी के चरणों में प्रणाम कर संतों का संग करें और भगवान नाम जपते रहें, इसी में जीवन का कल्याण है। इन्हीं शब्दों के साथ पूज्य संतों के सभी चरणों में प्रणाम। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। अनिल कृष्ण जी महाराज ने अपने वाणी से कलयुग की वाचना पूजन पाठ नहीं आता, गुरुदेव की महिमा थी कि आज अघोड़ी को बुलाना है तो अघोड़ी आ गया। अब अघोड़ी तो एक पागल के रूप में होता है, हम शमशान वासी होते हैं तो हम सनातन धर्म की जय इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे गुरुदेव शैलेशानंद जी हमें शिष्य बनाते हैं और मुझे जगह जगह घुमाए फिरते हैं। तो आप सब भक्तों की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, परम गुरुओं की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो। जय शिव शंभु, जय शिव शंभु। Thank you.
हैं।